पिछले क्लास में स्टडी किए हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या क्या होते हैं और क्यूब और क्यूबॉइड के हम सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं। आज हम उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर्स वाइड एंड 65 सेंटीमीटर्स डीप is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of sheet required for making the box, the cost of sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. हमें एक दिया हुआ है कि कोई बॉक्स है जिसका शेप क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इसके लेंथ, विड्थ एंड हाइट जो हमें गिवन है वो तीनों इक्वल नहीं है। और क्यूब में क्या होता है, इनके लेंथ, विड्थ, हाइट सभी इक्वल होते हैं तो उसे हम क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्यूब का डायमेंशन गिवन है और हमें गिवन है कि उस क्यूब को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक रिक्वायर्ड होगा, कितने प्लास्टिक शीट लगेंगे वो हमें बताने हैं। तो हमें इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ हमें गिवन है 1.5 मीटर्स, ब्रेथ हमें गिवन है 1.25 मीटर्स एंड हाइट हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर्स। तो देखिए, लेंथ और ब्रेथ हमें मीटर्स में गिवन है और जबकि हाइट हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, इन्हें इसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर्स। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर्स, तो 65 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 0.65 मीटर्स। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया और हमें मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि जो बॉक्स हम बनाएंगे, ये सपोज मान लीजिए इस तरह से जब हम बॉक्स बनाएंगे तो उस बॉक्स में साइड में ऐसे लगा हुआ है और इसके दोनों एंड्स इस तरह से हैं और ये बॉटम का पार्ट है, पर इसका जो टॉप का पार्ट है, वो टॉप का पार्ट अगर हम इसे इस तरह से बंद करें तो जो इसका टॉप का पार्ट है वो खुला हुआ है। गिवन है कि ये बॉक्स टॉप से ओपन है, तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव रेक्टेंगल्स ही हमें मिल रहे हैं, पर यहाँ पर हमने 6 के फाइंड किए हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था किस तरह से हमें सरफेस एरिया मिलता है। तो लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड सपोज दिस इज हाइट। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमें लेंथ और ब्रेथ वाला एक ही पार्ट मिलेगा क्योंकि उसका टॉप पार्ट ओपन है। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसे माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टॉप से ओपन है, तो उतने पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ है 1.5, ब्रेथ इज 1.25 प्लस ब्रिथ इंटू हाइट, ब्रिथ की वैल्यू है 1.25 एंड हाइट है 0.65 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इज 0.65 एंड लेंथ इज 1.5 माइनस लेंथ इंटू ब्रिथ, दिस इज 1.5 माइनस सॉरी इंटू 1.25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5.4
5.45 मीटर स्क्वेयर. तो हमें सरफेस एरिया क्या मिल गया, 5.45 मीटर स्क्वेयर. तो यहाँ पर हमें केवल सिंपल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है. बाय फॉर्मूला इसे फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लिकेशन ये दिया हुआ है कि ये बॉक्स टॉप से ओपन है, तो उसे हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये बात ही हमें ध्यान देनी है. इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वेयर शीट का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो इस बॉक्स को बनाने में कितना शीट लगेगा. तो यहाँ पर हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया. हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर शीट इज 20 रुपीज़. सो दिस 5.45 मीटर स्क्वेयर, ये हमें मिल जाएगा 5.45 इंटू 20. सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 109 रुपीज़. मतलब इस बॉक्स को बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट होगा, 109 रुपीज़. तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा. इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर्स 4 मीटर्स एंड 3 मीटर्स रेस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग ऑफ द रूम एट रेट ऑफ 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर. हमें किसी रूम के डायमेंशन गिवन है और हमें फाइंड करना है कि अगर 1 मीटर स्क्वेयर को वाइट वॉश करने का चार्ज 7.50 रुपीज़ है, तो उस कंडीशन पर इस डायमेंशन वाले रूम के सीलिंग और इसके 4 वॉल्स को वाइट वॉश करने का खर्च कितना होगा. तो यहाँ भी हम सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे, पर यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि अगर रूम में वाइट वॉश होता है तो उसके 4 वॉल्स में वाइट वॉश होता है एंड सीलिंग में वाइट वॉश होता है, पर फ्लोर में नहीं होता. तो फ्लोर का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. फिर से वही हमें काम करना है. तो हम यहाँ से लिखते हैं सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ. अब यहाँ पर मैंने 2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो फ्लोर है उसमें हमें लेंथ और ब्रेथ मिलते हैं और फ्लोर के एरिया को हमें हटाना है. केवल ये जो डायमेंशन है ये सीलिंग के लिए है, और ये 2 वॉल्स और ये 2 वॉल्स, तो ये 4 वॉल्स के डायमेंशन हो गए और ये सीलिंग का डायमेंशन हो गया. फ्लोर हमने हटा दिया. ओके, वैल्यूज पुट करते हैं. लेंथ है 5, ब्रेथ इज 4. यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 3. सॉल्व करेंगे, दिस इज 20, दिस इज 24 प्लस 30. ऐड करते हैं तो ये हमें मिल गया 74 मीटर स्क्वेयर. तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिल गया 74 मीटर स्क्वेयर. अब हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वेयर इज 7.50 रुपीज़. सो फॉर 74 मीटर स्क्वेयर ये हमें मिल जाएगा 74 इंटू 7.50. सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 555 रुपीज़. तो इस रूम में जिसका डायमेंशन इस तरह से है, वाइट वॉश करने का चार्ज कितना होगा, 555 रुपीज़. तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. यहाँ पर ही हमें ध्यान देना है कि किस एरिया को, किस पार्ट के एरिया को हमें हटाना है. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, then find the height of the hall. हमें हॉल की हाइट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ हॉल इज एच मीटर्स. ओके, अब हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर. फ्लोर का पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर्स. अब फ्लोर में हमें क्या मिलता है, लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट हमें नहीं मिलती. तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि रूम के फ्लोर्स रेक्टेंगुलर होते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, इज इक्वल टू 250 मीटर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके. अब हमें क्या दिया हुआ है कि इस रूम के 4 वॉल्स में पेंटिंग करने का चार्ज 15,000 है, अगर रेट कैसा हो, 10 रुपीस पर मीटर स्क्वेयर. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. हमें 4 वॉल्स पे ही पेंटिंग का चार्ज चाहिए, हमें यहाँ पर दिया है सीलिंग को हमें नहीं लेना है, ठीक है. तो सीलिंग को हम नहीं लेंगे, केवल 4 वॉल्स के हमें लेने हैं. तो 4 वॉल्स में हमें क्या मिलता है, 2 वॉल्स में हमें हाइट और ब्रेथ मिलती है, 2 वॉल्स में हमें लेंथ और हाइट मिलती है. तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये हमें मिल गया, ठीक है. तो वैल्यूज़ पुट करिए, अगर यहाँ से हम 2 इंटू एच को कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके. अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दिस इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज 250. तो इसकी प्लेस पे हम 250 पुट कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 250 h. तो हमें सरफेस एरिया क्या मिल गया, 250 h. h हमें फाइंड करना है. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट रेट ऑफ 10 रुपीस पर मीटर स्क्वेयर इज 15,000. सो हुआ है कि अगर हम 4 वॉल्स को 10 रुपीस पर मीटर स्क्वेयर के रेट से पेंट करते हैं तो उसका चार्ज कितना है, 15,000. तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वेयर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीस. तो टोटल हमारे पास कितने मीटर स्क्वेयर हैं, दिस. तो यहाँ से अगर हम बाय क्वेश्चन जाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 250 इंटू एच इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000. कैसे मिला, इतने मीटर स्क्वायर को इस रेट से पेंट करने का टोटल चार्ज, ठीक है. तो यहाँ से h हमें मिल जाएगा, दिस इज 15,000 अपॉन 250 इंटू 10, दिस. यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 25 से इसे सब्ट्रैक्ट 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया 6. मतलब हमें हाइट कितनी मिल गई, 6 मीटर्स. और हाइट ही हमें फाइंड करनी थी, तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करनी थी, दिस इज 6 मीटर्स. तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द पेंट इन अ कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वेयर. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. हमें गिवन है कि किसी कंटेनर में इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम उससे पेंट कर सकते हैं.
अब हमें एक ब्रिक का डायमेंशन गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे हम कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ब्रिक का डायमेंशन गिवन है उसका एरिया फाइंड करते हैं। हमें डायमेंशन गिवन है 22.5 मल्टीप्लिकेशन विद 10 इन मल्टीप्लिकेशन विद 7.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये डायमेंशन हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक और ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रिथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें मिल गया 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 468.75। 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 937.5 सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। पर क्वेश्चन में देखिए हमें जो पेंट की क्वांटिटी गिवन है कि उस कंटेनर में कितने लीटर्स पेंट है, नहीं, उस कंटेनर में जितना पेंट है वो कितने मीटर स्क्वेयर को पेंट कर सकता है, मतलब उसका हमें डायमेंशन गिवन है मीटर स्क्वायर में और ये हमें मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ये हमें मालूम है। सो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितना होगा, से इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.09375 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ ब्रिक और नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें कैसे मिलेंगे, टोटल जो हमें सरफेस एरिया गिवन है टोटल सरफेस एरिया मैं किसे लूँगी जिससे हम ब्रिक को पेंट करेंगे, मतलब ये पेंट का सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। अब हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया इज 9.375 और ब्रिक का सरफेस एरिया हमें मिला है 0.09375। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 100, मतलब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने मिल गए 100। तो उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे कितने ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं 100 ब्रिक्स, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है A cubical box has edge 10 cm and another cuboidal box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm height. Find which box has the greater lateral surface area and by how much. Second is which box has the smaller टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। हमें यहाँ पर एक क्यूब और एक क्यूबॉइड के डायमेंशन गिवन है और हमें दोनों के लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं और बताना है कि कौन सा लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कौन सा टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्यूब के लिए। तो हमें क्यूब का एज गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हमें मिलता है 4a स्क्वायर। यहाँ पर a उसके एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने लेटरल सरफेस एरिया लिया है
और हमें मालूम है लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप का पार्ट हम नहीं लेते, इसीलिए यहाँ पर हमें 6a स्क्वायर की प्लेस पे 4a स्क्वायर मिला, क्योंकि टू पार्ट्स हट गए, ठीक है। और a की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 4 × 10 स्क्वायर, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हमें क्या मिलता है, 2 × हाइट L × बी, लेंथ × ब्रेथ। यहाँ पर भी सीलिंग और फ्लोर अगर हम देखें तो कोई बॉक्स है तो बॉक्स का टॉप और बॉटम का पार्ट हमें यहाँ से हटाना होता है, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ वाले पार्ट यहाँ से हट जाते हैं और ये बाकी पार्ट हमें मिलते हैं। दिस इज प्लस 2 × h इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। अब इसे फाइंड करते हैं, हमें क्यूबॉइड का क्या डायमेंशन गिवन है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। हाइट है 8, लेंथ इज 12.5 एंड ब्रेथ इज 10। तो इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया इसका क्यूबॉइड वाले बॉक्स का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूब बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया है 400। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो ग्रेटर कौन सा मिल रहा है, क्यूब का, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर। और कितना ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस देखिए, 400 और ये 360, तो दोनों का डिफरेंस है 40। तो क्यूबिकल बॉक्स 40 सेंटीमीटर उसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है क्यूबॉइडल बॉक्स से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो किस बॉक्स का स्मॉलर है, देखिए। तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया अगर हम क्यूब का देखें तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमें मिलता है 6a स्क्वायर, ठीक है। एज की वैल्यू है और ये हो जाएगा 600। और अगर हम क्यूबॉइड का देखें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हमें मिलता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12.5। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बॉक्स का हमें मिल रहा है 610 और क्यूबिकल बॉक्स का हमें मिल रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर होगा, तो यहाँ फिर से देखिए ये 610 ग्रेटर है, 600 स्मॉलर है, मतलब क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बॉक्स से स्मॉलर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना स्मॉलर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विथ टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। What is the area of the glass and how much of tape is needed
फॉर ऑल द 12 एजेस. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ग्रीन हाउस ग्लास से बना हुआ है और उसका एरिया हमें फाइंड करना है. डायमेंशन हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट. ठीक है, अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. और ये कौन से शेप का है? क्यूबॉइड शेप का, क्योंकि इसके लेंथ ब्रेथ हाइट सभी डिफरेंट है. तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिलता है 2 into length into breadth प्लस ब्रेथ into हाइट प्लस हाइट into लेंथ. वैल्यूज पुट करिए तो ये हो जाएगा लेंथ है 30 into 25 plus 25 into 25 plus 30 into 25. सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2125. मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमें मिल जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है वो हमें मिल गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि इस जो ग्रीन हाउस ग्लास से बनेगा उसमें उसके 12 एजेस में टेप लगाने हैं तो कितना टेप लगेगा. ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं लेंथ ऑफ टेप. ये हमें लेना है 4 into length plus 4 into breadth plus 4 into height. देखिए 12 edges हैं और 12 edges में 4 edges हैं जो length के हैं, 4 edges breadth के हैं और 4 edges height के हैं और उसमें टेप लगाना है. ठीक है, तो इसकी length हम find कर लेते हैं. Length है 30, breadth है 25 and height भी है 25. सॉल्व करिए 4 into 30 दिस इज 120, 4 into this is 100 प्लस 100 सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 320 सेंटीमीटर. तो टेप की लेंथ हमें क्या मिल गई? 320 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 cm into 20 cm into 5 cm and smaller of dimension 15 cm into 12 cm into 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई स्वीट शॉप है जो टू टाइप्स के, दो तरह के बॉक्सेस बनाने चाह रहे हैं स्वीट्स के लिए, और उस बॉक्सेस को बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड लगेंगे और कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट हमें गिवन है उसके बेसिस पर टोटल कॉस्ट कितना लगेगा ये हमें पता करना है. तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, क्योंकि उसमें टॉप का पार्ट भी होता है बॉटम पार्ट भी होता है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स और ये हमें मिल जाएगा 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. हमें इसका डायमेंशन गिवन है 25 into 20 into 5 तो ये हमें मिल जाएगा 2 into 25 into 20 plus 20 into 5
प्लस 5 इंटू 25, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका हमें सरफेस एरिया मिल गया। फिर हमें गिवन है दूसरा बॉक्स, तो हम यहाँ से लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। इसका डायमेंशन हमें कितना दिया हुआ है, 15 इंटू 12 इंटू 5, तो ये हमें मिल जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। तो इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 630 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो दोनों बॉक्सेस के जो दो साइजेस हमें गिवन है, दोनों के हमें सरफेस एरिया मिल गए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये हमें मिल जाएगा 630 प्लस 1450, तो ये हमें मिल गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया दोनों बॉक्सेस के मिला के। अब क्वेश्चन में देखिए, हमें गिवन है कि जब हम स्वीट्स के, आपने देखा होगा जब हम स्वीट्स के बॉक्सेस बंद करते हैं तो कुछ पार्ट ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए जो 5% टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लिया जाता है। तो हम यहाँ से लिखाते हैं 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो इस टोटल का 5% हमें फाइंड करना है, तो ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 104, ठीक है। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वेयर एक्स्ट्रा और चाहिए, तो अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड। जितना कार्डबोर्ड चाहिए उसका टोटल सरफेस एरिया कितना मिल जाएगा, पहले जो हमने फाइंड किया था प्लस जो ओवरलैपिंग के लिए फाइंड किया गया है 104। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो अभी तक हमने सरफेस एरिया फाइंड किया। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर कार्डबोर्ड के लिए चार्ज है 4 रुपीस। तो इतने के लिए कितना चार्ज होगा, तो यहाँ से हम यहाँ से लिखते हैं चार्जेस फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज 4 रुपीस। सो फॉर 2184 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2184। ओके, तो ये हमें इसके चार्जेस मिल गए। पर ये अभी हमने फाइंड किया है एक बॉक्स का, ओनली वन बॉक्स। हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल हमें 250 बॉक्सेस चाहिए, और 250 बॉक्सेस हमें कैसे चाहिए, वो हमें चाहिए बिगर साइज़ के भी और स्मॉलर साइज़ के भी। पर हमने यहाँ पर दोनों के सरफेस एरिया को ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ से लिखते हैं फॉर 250 बॉक्सेस ये हमें मिल जाएगा 4 upon 1000 into 2184 into 250, क्योंकि ये एक बॉक्स का डायमेंशन है, उस एक बॉक्स के चार्जेस हैं, उसमें हमने 250 बॉक्सेस के चार्जेस ऐड कर दिए। तो सॉल्व करिएगा, 4 into 250 is 1000 divided by 1000 into 2184, ये कैंसिल हो गया और हमें ये मिल जाएगा 2184 रुपीस, ठीक है। तो 250 बॉक्सेस बनाने के चार्जेस कितने हैं, 2184 रुपीस। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले दोनों बॉक्सेस के सरफेस एरिया फाइंड किए, फिर दोनों को ऐड किया, फिर हमें जो गिवन है कि 5% हमें एक्स्ट्रा लेना है वो हमने लिए,
और उसके बाद चार्जेस फाइंड किए। हम चाहें तो दोनों बॉक्सेस के लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं और लास्ट में दोनों के कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। तो पहले बिगर बॉक्स का सरफेस एरिया हमने फाइंड किया, इसका 5% फाइंड करें और इसके लिए कॉस्ट फाइंड करें। फिर स्मॉलर बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करके इसका 5% फाइंड करके उसके चार्जेस फाइंड करें और दोनों को ऐड करें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है, प्रवीण वॉन्ट्स टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car with the front face as a flap with which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meters. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, किसी कार के लिए शेल्टर बनाना है जिसकी हाइट 2.5 मीटर्स होनी चाहिए और इसके बेस डायमेंशन हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कार के लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाना है और इसमें हमें गिवन है कि इसके जो शेल्टर बनेगा उसके थ्री साइड फिक्स होंगे, टॉप फिक्स होगा और जो उसका फ्रंट साइड है उसमें तारपोलिन इस तरह से रोल अप करके लगा दिया जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गया कि इसके फोर साइड्स टोटल कवर है और टॉप कवर है, पर बेस में तो तारपोलिन नहीं लगाएंगे तो बेस को हमें हटाना है। तो हमें सिंपल सरफेस एरिया यहाँ से फाइंड करनी है और सरफेस एरिया हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये लेंथ और ब्रेथ हमें टॉप का मिल रहा है, प्लस 2 इनटू ब्रेथ एंड हाइट प्लस 2 इनटू हाइट एंड लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ को हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने एक हटा दिया, हमें बेस का नहीं चाहिए, हमें फ्लोर का नहीं चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करिए, हमें हाइट कितना गिवन है 2.5 मीटर्स, दिस इज इन मीटर, लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 3 मीटर्स। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 3 प्लस 2 × ब्रेथ × हाइट, ब्रेथ यहाँ से है 3 एंड हाइट इज 2.5 प्लस हाइट इज 2.5 एंड लेंथ इज 4। सॉल्व करेंगे, दिस इज 12 प्लस 15 प्लस 20, ऐड करते हैं तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना था तारपोलिन के लिए वो हमें कितना चाहिए, 47, दिस इज इन मीटर्स, तो 47 मीटर स्क्वेयर। सो तारपोलिन नीडेड इज 47 मीटर स्क्वेयर, इतना मीटर स्क्वेयर तारपोलिन चाहिए। ओके, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमें राइट सर्कुलर कोन मिलता है, जैसे ये एक कागज़ है, अगर मैंने इसे इस तरह से रोल अप किया तो हमें एक शेप मिल गया, जो सिलेंडर हम कहेंगे जिसे, तो इस तरह का जो शेप हमें मिलता है जिसका टॉप और बॉटम भी सर्कल से कवर होता है, तो उस सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे।